मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं पीपीए 24 न्यूज। मैं जिस गांव में खड़ा हूं ये मगराशा है। गांव की स्थिति जानते हैं कि क्या तैयारी है गांव की। अगर कोई कोरोना से पीड़ित व्यक्ति आता है तो किस तरह से उसे क्वारंटाइन करेंगे। आइए जानते हैं यहां के ग्राम प्रधान से कि क्या स्थिति है गांव की और किस तरह से तैयारी चल रही है। आइए जानते हैं। दर्शकों, हमारे साथ मगरासा के प्रधान जी हैं। आइए जानते हैं कि कोई दिल्ली मुंबई से अगर इस गांव में आता है, जो काम करने गए थे मजदूर लोग गांव में आते हैं, तो क्या व्यवस्था है। सरकार द्वारा एडवाइजरी जो जारी करी गई है उसके द्वारा प्रधान जी क्या काम कर रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं। हाँ प्रधान जी बताएं। जो हमारे गांव में बाहरी आदमी आएगा, हमारे गांव का आएगा, उसके लिए हमें जो है पुलिस को खबर करेंगे, 112 करेंगे, अपने विभाग में जो है करेंगे खबर, और प्राइमरी स्कूल में हमने गद्दा डलवा दिया, साबुन धरवा दिया, डिटॉल वगैरह धरवा दिया, उनको रहने के लिए हम पूरी व्यवस्था कर दी। ऐसा कोई गांव में अभी तक आया है जो आपके प्राइमरी जो जहां पर अरेंजमेंट कराया है आपने, वहां पर कोई है अभी बिलाल? कोई नहीं है। और कैसा कोई व्यक्ति कोई गांव दूर से दिल्ली बॉम्बे से आया है? कोई नहीं आया। वो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, जहां क्वारंटाइन करने के लिए अगर गांव में कोई व्यक्ति आता है बाहर से तो उसे क्वारंटाइन करने के लिए जगह बनाई गई है। आइए आपको दिखाते हैं। क्वारंटाइन किया जाएगा अगर कोई आता है यहाँ पर। ये देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये कमरे हैं जो कई तरह के, कई कमरे हैं, 8-10 कमरे हैं, उस तरह से क्वारंटाइन किया जाएगा। अभी फिलहाल कोई भी ऐसा नहीं है जो क्वारंटाइन करने के लायक हो, इसलिए खाली पड़े हुए हैं। लेकिन गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने अपना अरेंजमेंट पहले से ही कर दिया है। होगा ये देखिए, ये सारा कुछ दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए, ये देखिए, एक बोतल रखी है और डिटॉल की वो है, डिटॉल का साबुन है, ये सब है इसमें हैंड वॉश करने के लिए। तो पहले से तैयारी रखी जा रही है दर्शकों, मैं दिखा रहा हूँ आपको। आइए।